कह रही हो तुम? हमने ही दावा किया कि वो आइडिया हमारा है और उसे बेच दिया। अब देखा ना आपने सर, वीर ने खुद कन्फेस किया है कि उसने और बलराज चाचा ने दोनों ने मिलकर मेरे पति का पेटेंट बेचा है। देखिए मेरे पति चोर नहीं है, वो बहुत टैलेंटेड है और इससे तो साफ पता चलता है कि इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं क्या करूंगा इस कन्फेशन का? मतलब माना कि महराज ने ये आइडिया आपके पति से चुराया, राइट? लेकिन उन्होंने मुझे ये भेज दिया सारी लीगल फॉर्मेलिटीज और प्रोसीजर्स पूरी करने के बाद। सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो सॉरी। पर हाँ, ये जो तुम लड़ाई लड़ने आई थी ना यहाँ क्रांतिकारी बनके, इसे अपने पास रखो एंड जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। पर अगली बार मेरे ऑफिस में तभी आना जब अपॉइंटमेंट लो। यू नो, एक बिजनेस को चलाने के लिए मुनाफा देखना पड़ता है। यू हैव टू बी सेल्फिश, प्रॉफिट, यू नो। तो अगर मैंने कोई पेटेंट 20,000 यूरोज में खरीदा है, मुझे उसे दान में देने का कोई शौक नहीं। आई यूज इट फॉर माई प्रॉफिट। मैं या तो उसे महंगा बेचूंगा या तो फिर उसे अपने प्रॉफिट के लिए यूज करूंगा। ऐसे होता है बिजनेस। रही तुम्हारे पति की बात, अगर उस आइंस्टाइन के दिमाग में नए नए इन्वेंशन आते हैं ना, तो उसे कहो कि अपने इन्वेंशन को सुरक्षित रखना भी सीखे। अपनी बीवी को इस तरह यहाँ भेज कर आंसू बहाने को बिजनेस करना नहीं कहते, समझे तुम? बस कीजिए, आप समझते क्या अपने आप को? आप बहुत बड़ा बिजनेस चलाते होंगे, लेकिन अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन होते ना, तो आप टैलेंट को समझने में इतनी गलती नहीं करते। शायद मेरे पति को आपके और महराज की तरह गंदा बिजनेस करना नहीं आता, लेकिन उनकी टैलेंट, उनकी लगन और उनकी सच्चाई को आप 20,000 यूरो में नहीं खरीद सकते। और आपको क्या लगता है मेरे पति ने मुझे यहाँ भेजा है आपके सामने भीख मांगने के लिए? जी नहीं, मेरे पति ने मुझे यहाँ नहीं भेजा। वो तो ये जानते तक नहीं कि मैं यहाँ आई हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी लड़ाई लड़ने में मेरी कोई जरूरत नहीं। तुम गरीब लोग भाषण बहुत देते हो यार। और आप जैसे लोग अपने घमंड में फहरे हो जाते हो। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं यहाँ आपके सामने खड़े रहकर आपसे बात करके अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपसे तो मैं कोई सही काम करने की उम्मीद भी नहीं रख सकती। एंड आई एम ग्लैड मेरे पति ने आपके साथ बिजनेस नहीं किया, जिससे ना ही टैलेंट की कदर है और ना ही अच्छे और बुरे की परख। यू नो, जब तुम्हारा पति यहाँ आया था ना, तो मेरे गार्ड्स ने उसे धक्के मारकर मेरे कैबिन से बाहर फेंक दिया था। लेकिन तुम जैसे लोगों के लिए मुझे लगता है अब मुझे अपनी सिक्योरिटी टीम में औरतों को भर्ती करना पड़ेगा। बीइंग ए जेंटलमैन, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवाने के लिए मेल गार्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे साथ बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम वाकई बहुत ज्यादा डिस्परेट हो मिस्टर खुराना के साथ बिजनेस करने के लिए, यू हैव अ चॉइस। 20,000 यूरोस लेके आओ और अपने पति का पेटेंट लेकर जाओ। दिस इज ऑल आई कैन डू फॉर यू। 20,000 यूरोस। बीस हजार यूरो? तो इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगी? मैं इस परिवार को राघव के सपने को चलने नहीं दूंगी। मैं बलराज चाचा, मदन चाचा, वीर से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो राघव का है उसे मैं दिला के रहूंगी। मैंने सुना कि मिस्टर खुराना ने तुझे धक्के मार के बाहर फेंक दिया। आई फील सो सॉरी फॉर यू ब्रो, सो सॉरी। मतलब हिम्मत कैसी उनकी? हाँ, क्या वक्त आ गया यार, जेब में पैसे नहीं, दो वक्त की रोटी नहीं, और तो और घर में कभी लाइट आती है और कभी चली जाती है। आई कांट बिलीव दिस, कांट बिलीव दिस। नहीं, ये मत समझना कि ये तेरे लिए फेंका है मैंने। हाँ, डोंट थिंक लाइक दैट।
ये मैंने इसलिए फेंका क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि घर में एक और सर्वेंट की जरूरत है मुझे और ये काम तुझसे बेहतर और कौन जानता है। वैसे भी तेरा वो मॉप, तेरी वो इन्वेंशन अब और कहाँ काम आएगी। आई थिंक यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस। क्या कहता है, हमारे लिए काम करेगा? वीर बेटा, राघव, क्या कर रहा है? आपने मेरा सब कुछ छीन लिया, क्यों चाचू? मैंने आप सबसे अपने परिवार की तरह प्यार किया था, पूरी जिंदगी लगा दी आप लोगों की सेवा में, जो काम दिया पूरे ईमानदारी से मन से पूरा किया, और आपने क्या किया मेरे साथ? आप ही कहते थे कि आई एम अ नोबडी, तो मेरे जैसे नोबडी ने आपको इतना इनसिक्योर कैसे कर दिया चाचू? आप लोगों के पास इतना सारा पैसा है और मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। क्या चाहता था मैं? बस अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहता था। इस नोबडी के पास कुछ नहीं था, बस एक मौका था, अपनी जिंदगी जीने का एक मौका। आप सबसे दूर मैं अपने लिए कुछ करना चाहता था। एक ही चीज थी मेरे पास जो मैं हक से कह सकता था कि मेरी अपनी है, मैंने बनाई, मेरी मेहनत, वो भी आपने मुझसे छीन ली। क्यों चाचू? कर दी ना तूने बकवास, हाँ? हम लोग तुझसे इनसिक्योर होंगे? तेरी औकात ही क्या है? तू एक अदना सा कीड़ा है, किसी झोपड़ पट्टी के कोने में पड़ा हुआ सड़ा होता अगर हमने तेरी मदद नहीं की होगी तो। और तू किस बात पे उड़ रहा है हा? अपने उस इन्वेंशन को लेकर। उस इन्वेंशन को तूने कब बनाया? जब तू यहां पे रहता था हमारे रिसोर्सेस को यूज करके। तो फिर ये तेरा इन्वेंशन कहां से हो गया भाई? ये तो हमारा इन्वेंशन हुआ ना, बोल। तुझे पता है क्या, तू तब भी एक नोबडी था और आज भी एक नोबडी ही है। ये सब जो तेरे साथ हो रहा है ना, इससे कुछ सीख ले और अपनी औकात पे वापस आ जा। उड़ना बंद कर नौकर, यू विल नेवर मेक इट, नेवर एवर। तुझे क्या लगता है हम तुझे मार नहीं सकते? तेरी सबसे बड़ी ढाल तेरी दादी कोमा में है। अगली बार अगर तूने जरा सी भी बदतमीजी की हमारे साथ या फिर उसके ऊपर हाथ उठाया, सीधा तुझे जेल भेजूंगा। This is my last warning to you. चलो।
आप के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।